नमस्कार दोस्तों, जीत अकेडमी मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है, नहीं जानते तो जान लो, मेरा नाम है मंजीत प्रजापति। और आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, जिनको नहीं पता देख लो अपना। आज अपन जो अगला पार्ट है, वीडियो अगला सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से एक बार वीडियो शेयर कर दो। जिन्होंने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों कि जो वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ तो वो तुरंत आप तक पहुँच जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो अपन देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज अपन सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जिन लोगों ने अगर अगली जो बेसिक सी कुछ वीडियो नहीं देखी हैं, जिनने कुछ पार्ट हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकती हो, और जितना हो सके शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है दोस्तों, चलो अगली जो बात अपन सीखने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, वो ये है, अच्छे से बॉक्स बना के लिख लेना। ठीक है, ये क्या होता है, एक तिहाई। ठीक है, ये बात अपन को पता होना चाहिए, एक चौथाई। ठीक है, तीन चौथाई, दो गुना, तिगुना। ठीक है दोस्तों, दो गुना, तिगुना। ठीक है, या तीन चौथाई, या फिर पांच गुना। ठीक है, इनके बारे में अपन को थोड़ा सा पता होना चाहिए, समझ रहे ना दोस्तों। अब यहाँ पर अच्छे से बॉक्स बना के लिख लेना, एक तिहाई का मतलब क्या होता है दोस्तों। एक तिहाई का मतलब होता है कि एक भाग तीन में से, मतलब एक बटे तीन, समझ रहे ना बात को। एक चौथाई का मतलब होता है एक भाग किस में से, चार में से, मतलब एक बटे चार। एक बात और रखना, बटे का मतलब एक अनुपात तीन हो जाता है, और एक बटे चार का मतलब एक अनुपात चार भी होता है, समझ रहे ना बात को, समझने की कोशिश करना दोस्तों। ठीक है, तीन चौथाई का मतलब तीन बटे चार, मतलब चार में से तीसरा भाग, समझ रहे ना बात को, चार में से कौन सा भाग, तीसरा भाग। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तीन अनुपात चार भी लिख सकते हैं। देखो, अनुपात का मतलब बटे होता है, बटे का मतलब अनुपात होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। ठीक है दोस्तों, अगली जो बात है यहाँ पर ध्यान देना, दो गुना का मतलब क्या होता है, समझ रहे ना। दो गुना का मतलब होता है दो अनुपात एक, या दो बटे एक। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, दो अनुपात एक, समझ रहे ना बात को दोस्तों। अच्छे से लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, छोटी छोटी बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगला है तिगुना। तिगुना का मतलब क्या होता है दोस्तों, तीन बटे एक। इसको अपन अनुपात के साथ लिख सकते हैं, तीन अनुपात एक, समझ रहे ना, बटे का मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब बटे। पांच गुना का मतलब क्या होता है, पांच गुना का मतलब सिंपल सा है दोस्तों, पांच बटे एक, और इसका मतलब होता है पांच अनुपात एक, समझ रहे ना। देखो यहाँ पर समझ में आपको कैसे समझाया तुम, ये बात अपन को क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे राम के पास रवि से पांच गुना धन है, मतलब राम के पास अगर पांच रुपए होगा तो रवि के पास कितना होगा, एक रुपए, समझ लो। राम के पास रवि से पांच गुना धन है, जिसका नाम पहले मिठाई उसी को मिलेगी पहले, समझ रहे ना, जो व्यक्ति पहले आएगा मिठाई उसी को। राम के पास रवि से पांच गुना धन है, समझ रहे ना बात को। ठीक है, इसी तरह ये गुना में आ गया, अगर मैं बोलूं कि राम के पास रवि का तीन चौथाई भाग है, राम के पास रवि का तीन चौथाई है, तो मतलब तीन बटे चार, या तीन अनुपात चार, समझ रहे ना बात को। राम के पास रवि का तीन चौथाई है, मतलब राम के पास अगर तीन है तो रवि के पास कितना होगा, चार। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही दोस्तों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जल्दी से नोट्स करके लिख लो अच्छे से, फिर अपन चलते हैं अगली बात पर। ठीक है, दोस्तों नोट अच्छे से बनाते जाना, फिर मैं इस टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, बता दूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। चलिए अगली जो बात है यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते जाना, है ना, और थोड़ा सपोर्ट चाहिए दोस्तों, है ना, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो, थोड़ा क्या आपका सपोर्ट होना जरूरी है, और लाइक और शेयर जरूर कर दो आप, ना। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने कर रखा है
सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन का बटन है, उस पर प्रेस कर देना ताकि इससे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आ। चलो इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जैसे 360 का एक तिहाई, 360 के ऐसे लिख लेते हैं, 360 के एक तिहाई का 360 के एक तिहाई के ऐसे लिख लेते, एक तिहाई के 360 के एक तिहाई के छठे भाग का एक चौथाई भाग कितना होगा, एक चौथाई भाग कितना होगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है दोस्तों, इसको समझना। देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अपन को पता होना चाहिए एक तिहाई और छठा भाग और एक चौथाई क्या होता है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो इसको मैं दो तरीके बताता हूँ, वैसे सिंपल सी बात है। देखो क्या करना है, 360 इसके का 360 का एक तिहाई, या के है का है मतलब क्या है उसका गुणा है, 360 का एक तिहाई। एक तिहाई का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, एक तिहाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक भाग मतलब एक तीन, एक तो क्या रखेंगे एक तिहाई, समझ रहे ना हमारा दोस्तों, यहाँ तक बात है इसमें के छठे भाग, समझने की कोशिश। 360 का एक बटे, देखो यहाँ पे मैं दो तरीके बता देता हूँ, ठीक है। इसका एक तिहाई देखो तीन का आ जाएगा, तीन एक तीन, तीन दूनी छः, मतलब 120, इसका आंसर क्या आया 120, ठीक है। इस 120 का छठा भाग, इस 120 का हम छठा भाग निकालेंगे, छठा भाग मतलब एक बटे छः भाग, तो क्या हो जाएगा, छः कम छः, छः दूनी बारह, मतलब कितना आया 20, ठीक है। फिर कह रहे हैं 20 का एक चौथाई भाग, अब यहाँ पर फिर निकालेंगे 20 का एक चौथाई मतलब एक बटे चार, तो चार से कितनी बार चला जाएगा पाँच, तो आंसर आ जाएगा पाँच, ये हो जाएगा परफेक्ट आंसर। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यहाँ पर ध्यान देना कैसे करेंगे, 360 का ये तो एक तरीका है, और भी अगर डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये तो बेसिक्स है, और डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट काट दो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो, 360 बटे मतलब 360 का एक बटे तीन का, ठीक है, फिर एक बटे मतलब छठा भाग, फिर उसका एक चौथाई भाग, सिंपल सी बात है। अब इसको काटना है, तीन से काटेंगे 120 में, 120 बार कट गया, फिर छः से काटेंगे कितनी बार में 20 बार, और फिर चार से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा इसका 5। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है, दोनों तरीके बता दिए, आप कोई से भी कर लो, बस ये है, ये स्टेप बाई स्टेप बढ़ता है, यहाँ पे अपन को करना इसी टाइप का है सॉल्यूशन। देखो एग्जाम में अपन को इसी टाइप से करना होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, फटाफट वहीं के वहीं काटो, है ना, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, अपन को प्रैक्टिस होना जरूरी है, प्रैक्टिस करो दोस्तों, बिना पेन बिना कॉपी लिए मत बैठा करो, जब पढ़ने बैठा तो पेन और बिना कॉपी के मत बैठना, है ना, नोट्स अच्छे से बनाते जाना, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगली जो बात है, अगली जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, जैसे मैं कुछ और बता देता हूँ, अगली जो बात है, अब आ जाते हैं, दोस्तों अगली जो इम्पोर्टेंट बात है अब अपन सीखेंगे, वो होता है अनुपात, ठीक है, अनुपात स्टार लगा के लिख लेना, अनुपात पर बेसिक पता होना चाहिए अपन को, ठीक है, अगर कुछ मैथ कवर करना होता हो अनुपात का पता होना चाहिए। अनुपात का मतलब क्या होता है, ये होता है अनुपात का निशान, ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए तो ये क्या होता है, समानुपात का निशान, ठीक है, ये अनुपात ये समानुपात, ठीक है। तो देखो आज अपन अनुपात पढ़ेंगे, पहले मैं बता देता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे मैं लिख देता हूँ ए अनुपात बी, और अगर इसका लिख देता हूँ दो अनुपात तीन, तो बता सकते हो आप मुझे ए और बी का मतलब दो अनुपात तीन है, तो हम इसको जो दो अनुपात तीन है ना, हम उसको दो बटे तीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब बटे होता है, और बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। अगर ऐसा लिखा आ जाए तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा आ जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात देखो, हमेशा याद रखना, जैसे मैंने ए अनुपात बी लिखा है और बराबर दो अनुपात तीन लिखा है, तो याद रखना जो पहला है पहले आया पहले मिठाई उसी को मिलेगी, जो पहले आएगा भाई मिठाई पहले उसी को मिलेगी, मतलब ए के लिए पहले के लिए पहला और दूसरे के लिए दूसरा, समझ रहे ना बात को। अगर मैं पूछूं ए के पास कितना अनुपात है, तो आप क्या कहोगे, ए के पास कितने अनुपात हैं, दो,
मैं पूछूं कि बी के पास कितने अनुपात हैं, तो आप तुरंत बताओ बी के पास कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं पूछूं बी और सी, फिर मैं पूछूं 3 और या 4 और 5, तो आप तुरंत मुझे बता दो बी के पास फिर से कितने हैं, 4 हैं, और सी के पास कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ये बात क्लियर होना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये ऐसा बनता है दोस्तों, यहाँ पर देखना, क्वेश्चन ऐसा बनता है, ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, और बी अनुपात सी बराबर 2:3 है। तो ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें, सी का मान ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करना है, आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है। तो अपने कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पर ध्यान देना, कुछ कुछ स्टूडेंटों को जिनको नहीं है पता, वो उस इसी में अटक के रह जाएंगे। देखो दोस्तों अभी मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, अभी अपना बेसिक चल रहा है, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा अपन फिर अपन स्टार्ट करेंगे, सिर्फ 8, 2 या 4 दिन में अपना पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर अपन फुल सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसको कैसे करना है, अपने क्या ज्ञात करना है, ए बी और सी ज्ञात करना है। तो आप मुझे बताओ ए के पास कितने रुपए हैं, ए के पास 3 अनुपात है तो हमने लिख दिया 3 अनुपात, ऐसे बी के पास कितने हैं, तो बी के पास 4 है तो हमने लिख दिया 4, ए बी और फिर 3:4, ए बी 3:4, समझ रहे ना बात को, ए के लिए 3, बी के लिए 4। फिर से बी के पास कितने हैं, 2 है तो बी के पास, ये बी के पास है तो फिर बी के नीचे लिख देंगे, बी के पास कितने हैं, 2। फिर सी के पास कितने हैं, तो सी के पास ऐसे कितने हैं, 3 है। देखो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक ए के पास 3, बी के पास 4, ए के पास 3 और 4, बी ए बी 3:4, 3:4, ठीक है, ए बी 3:4, बी सी 2:3, बी सी 2:3, नीचे सिक्वेंस वाइज में रखना है, ऐसे में और ऐसे में। ठीक है, अब देखो जिसके आगे, अगली जो बात है, जिसके आगे खाली जगह हो उसे बढ़ा देना है। बताओ किसके आगे खाली जगह है, 4 के आगे है तो 4 को आगे बढ़ा दो, इसके आगे खाली जगह है तो 2 को आगे बढ़ा दो। अब क्या करना है, अब डायरेक्ट 3 दूनी इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी होता है 6, 4 दूनी 8 और 4 3 12। ठीक है, अभी ये कट रही है वैल्यू, जितना हो सके आसान कर लिया करो, अभी ये वैल्यू कट जाएगी, कितने से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:4:6। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, चलिए अगली जो बात है, इसी टाइप का कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मैं एक और क्वेश्चन दूँ तो आप कर लोगे, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाना, अच्छे से नोट्स बनाते जाना दोस्तों। ठीक है, अगली जो बात है यहाँ पर ध्यान देना, इसी टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ आप मुझे करके होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ ए अनुपात बी बराबर 3:4, ठीक है, बी अनुपात सी बराबर 2:3, और सी अनुपात डी बराबर 1:5। तो आप इसका कर सकते हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करो। दोस्तों कर सकते हो, सिंपल सा है, बस कुछ नहीं करना, वहां पर मैंने 3 दिए थे, यहां पर सिर्फ क्या हो गए हैं, 4 हो गए हैं। तो करने की कोशिश करो, क्या करना है, अपन ने वही प्रोसेस अप्लाई करनी है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, क्या करेंगे, ए के पास बताओ कितने अनुपात है, 3, बी के पास 4, फिर से बी के पास 2 है, सी के पास 3 है, फिर से सी के पास 1 है, डी के पास 5 है, सिंपल सा है। देखो क्या करेंगे, ए बी सी और डी, ठीक है, यहाँ तक बात आई कि नहीं, पहली प्रोसेस, ए के पास कितने हैं, 3 है तो मैंने 3 रख दिए, ठीक है, फिर से बी के पास कितने हैं, 4 हैं तो मैंने 4 रख दिए, यहाँ तक बात आई कि नहीं आई समझ में, पहली बात। दूसरी वाली बात, ये पहली कंप्लीट हो गई, दूसरी वाली बात है, बी के पास कितने रुपए हैं, बी के पास 2 हैं तो मैंने 2 रख दिए, फिर सी के पास कितने हैं, 3 हैं तो मैंने सी के नीचे 3 रख दिए, यहाँ तक बात आई समझ में, दूसरी कंप्लीट। तीसरी, सी के पास कितने हैं, फिर से सी के पास 1 है तो 1 रख दिया, डी के पास कितने हैं, 5 हैं तो डी के पास मैंने 5 रख दिए, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ किसको नहीं आई समझ में, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ किसको नहीं आई समझ में, आ गई, अगर आ गई है तो यस करके मैसेज करो। ठीक है,
आपके अगली बात जो है क्या करेंगे, जिसके बाद जिसके आगे खाली जगह है उसके आगे क्या रहेंगे, वही संख्या बढ़ा देंगे। देखो चार के आगे खाली जगह है तो चार बढ़ाया और इधर भी चार बढ़ाया, ठीक है। इसके तीन के आगे खाली जगह है तो तीन बढ़ाया, इसके आगे एक जगह है तो एक बढ़ाया, इसके आगे दो है खाली तो दो बढ़ाया और एक के एक बढ़ाया। समझ रहे ना बात को? अब क्या करना है, तीन दूनी छः, छः एकम छः, ठीक है, दो एकम चार, दूनी आठ, आठ एकम आठ, ठीक है, चार तिया बारह, बारह एकम बारह, है ना, ऐसे ही चार तिया बारह, बारह पंजे साठ। देखो ये आया, बताओ ये वैल्यू अभी कट रही है या नहीं कट रही है? ये देखो ये आसान हो रही है कि नहीं हो रही? आसान है दोस्तों, अभी दो से कट जाएगी। कितनी बार में? तीन बार में, चार बार में, छः बार में और तीस बार में। तो अपना जो आंसर फाइनली जो आंसर है, तीन अनुपात, चार अनुपात, छः अनुपात और तीस, ये अपना परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? और अच्छा, अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर दो, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दो दोस्तों। और एक बार दोस्तों सभी लोग एक बार अपने एक एक दोस्त को शेयर कर दो, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट आपका चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखो आप जानते हो मैं सब कुछ बिना फार्मूले करवा रहा हूँ, बिना सूत्र के, मैं कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, बेसिक प्रैक्टिकली सब कुछ, ठीक है। चलो अगली जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, देखो अपना अनुपात क्लियर हो गया, अब हम चलते हैं अगली बात पर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने ऐसा बनता है इस अनुपात पे, पहले तो ये बात क्लियर हुई, अनुपात में क्वेश्चन ऐसा बनता है, जैसे आपके सामने आ जाता है तीन अनुपात चार, पाँच अनुपात छः, नौ अनुपात आठ, आठ अनुपात नौ और ग्यारह अनुपात बारह। बड़ा, इसमें बड़ा अनुपात ज्ञात करना है, क्या करना है, इनमें से बड़ा और छोटा, बड़ा छोटा अनुपात ज्ञात करो, बड़ा छोटा अनुपात कौन सा होगा, ठीक है, बड़ा और छोटा अनुपात निकालना है। तो सिंपल सी बात अपन कैसे करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो सबसे पहली प्रोसेस, देखो अनुपात का मतलब बट्टा है, बट्टे का मतलब अनुपात, इस अनुपात को अपन कैसे रखेंगे, तीन बट्टे चार, ठीक है, कोमा, और यहाँ रखेंगे पाँच बट्टे छः, फिर कोमा आठ बट्टे नौ, फिर कोमा ग्यारह बट्टे बारह। यहाँ तक बात आई कि नहीं है समझ? हम इसको बट्टे में रख सकते हैं, रख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। इनमें बताना है अपने बड़ा और छोटा, देखो यहाँ से आप देख के तो बता नहीं सकते, आप बता भी सकते हो वैसे डायरेक्ट, देखो तीन से चार का है, फिर चार से, तीन से चार का, पाँच से इसका, आठ से नौ का गैप है, इसमें सभी में गैप समान है, तो जो देखने में बड़ा है वो बड़ा है और जो देखने में छोटा है वो छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ एक तो ऐसा देख के बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर गैप अगर समान ना हो, ठीक है, गैप अगर समान ना हो, ठीक है, इनमें तो सभी का गैप समान है, समझ रहे हो ना बात को? तो एक और तरीका और देख लेते हैं, मैं आपको ये तरीका बता दें, सबसे बेस्ट है जो हमेशा के लिए लागू होगा, तीन बटे चार, पाँच बटे छः और आठ बटे नौ, ठीक है, और ग्यारह बटे बारह। क्या करना है, सभी में क्या लगा दो, सबसे पहली बात जीरो लगा दो, जीरो लगाकर भाग दे दो, भाग देने पर जो आंसर बड़ा आएगा वो अनुपात बड़ा होगा, जो आंसर छोटा आएगा वो अनुपात छोटा होगा। देखो चार से चार सत्तर अट्ठाईस, चार आठ बत्तीस, चार सत्तर अट्ठाईस, चार सात बार में चला जाएगा, सात पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है। छः से छः पंजे तीस, छः छः छत्तीस, छः सत्तर बयालीस, छः आठ अड़तालीस, आठ बार में चला जाएगा और पॉइंटों में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नौ छः चौवन, नौ सात तिरसठ, नौ आठ बहत्तर, नौ नौ में इक्यासी ज़्यादा हो रहा है, नौ आठ बहत्तर, ये भी आठ पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं बारह एकम बारह, बारह पंजे साठ, बारह छः बहत्तर, बारह सात चौरासी, बारह अट्ठे छियानवे, बारह नौ में एक सौ आठ, बारह नौ में एक सौ आठ, ठीक है। तो बारह नौ बार में जा रहा है, ठीक है, पॉइंट में कुछ जाएगा। तो आप मुझे बता सकते हो इनमें से बड़ा आंसर कौन सा है? तो देखो सबसे ज़्यादा बड़ा आंसर किसका ये है, तो अपना बड़ा अनुपात कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और छोटा देखो छोटा कौन सा है, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा अपना छोटा अनुपात, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपके अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर ये आठ और आठ अगर दो वैल्यू आ जाए जब क्वेश्चन क्रॉस होने लगे तो क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान देना, उस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना।
ठीक है, चलो बता दी से। हाँ चलो अगला क्वेश्चन तुम करना है। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है दोस्तों, देखो जैसे मैं लिख देता हूँ 2/5 या दो, हाँ 2/, डायरेक्ट लिख देता हूँ 2/5, ऐसे लिख लेता हूँ दोस्तों 2:5, आप अपने हिसाब कर लेना है, 2:5, 3:7, 3:7, 8:9 और 4:7, ठीक है। इस में से अपन को बड़ा और छोटा बताना है, बड़ा व छोटा अनुपात ज्ञात करना है, बड़ा छोटा अनुपात। जल्दी से बताओ, आप बताने की कोशिश करो दोस्तों, कैसे करोगे? सिंपल सा है दोस्तों, क्या करना है आपको, 2/5, 3/7, 8/9 और 4/7। देखो कॉमा यहाँ पर, देखो यहाँ से गैप देख लेना, 2 से 5 पर पहुंच रहा है, 3 से 7 पर, 8 से 9 पर, यहाँ अंतर समान नहीं है। समान नहीं है तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, सभी में क्या लगा दो आप, 0 लगा दो। देखो सॉल्यूशन करने के लिए लगाना है 0 अपन को, क्योंकि आंसर निकाल के हम डायरेक्ट बराबर निकाल सकते हैं। 5 से 5 चुक 20, 4 बार में चला गया पूरा पूरा। 7 से 7 21, 7 चुक 28, 4 बार में पॉइंट में कुछ जा रहा है ना, 7 चुक 28। इसको देखेंगे कितना जा रहा है, 9/72, 8 बार में जा रहा है, ठीक है पॉइंट में। इधर 7 7 7 49, 7 5 35, 5 बार में जा रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ और पॉइंटों में बताओ, इनमें से बताओ सबसे बड़ा आंसर किसका है। बड़ा आंसर ये है तो हमारा अनुपात, बड़ा अनुपात कौन सा होगा, 9/8/9 हमारा हो जाएगा बड़ा अनुपात, ठीक है। अब छोटे में कन्फ्यूज होते हैं, देखो इम्पोर्टेंट बात, अब आप सोच रहे होंगे छोटे में कौन सा, सभी में 4 आया। पहले एक बात बताओ, जब अगर क्रॉस आंसर आने लगे तो फिर आगे हम अगले कदम पर चढ़ेंगे। देखो ये तो पूरा पूरा कट गया 4 बार, लेकिन ये 4 7 28, 7 चुक 28, 4 बार कट गया था पर पूरा नहीं कटा था, बचे कितने थे, 2 20 हो गए, 7 2 14। अब यहाँ पर बताओ अगली बात पर चलेंगे, ये 4 रुपये हैं और ये 4 रुपये और 2 पैसे हैं, तो बताओ इनमें से छोटा कौन है। बड़ा तो ये मिल गया, इनमें से छोटा कौन है, छोटा ये है तो मतलब 2/5 हो जाएगा अपना छोटा अनुपात, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगली बात पर चलते हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते जाना दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करते जाना, ठीक है। चलिए अगली जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, अब इसको समझना, तुम जैसे आपके सामने ये कैसा आ जाता है, अब अपन पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे मिश्रण, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, अनुपात हो गया दोस्तों बेसिक अपना, अब अपन पढ़ेंगे मिश्रण, मिश्रण का नियम, ठीक है। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण क्या होता है दोस्तों, आप जानते होंगे मेरे यारो, मिश्रण वो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिलाई जाती हैं। अभी ये पेन है और एक पेंसिल लिया हूँ, दोनों के मिला दूँ या मिक्सचर कर दूँ तो ये मिश्रण बन जाएगा, अभी सिंगल पेन है। देखो मिश्रण का नियम मैं समझा देता हूँ, मिश्रण के नियम, पहले एक क्वेश्चन देख लो, ठीक है। पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक व्यक्ति 24 रुपये, 24 रुपये ऐसे रख लेना आप, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति किलो, 24 रुपये प्रति किलो तथा 18 रुपये प्रति किलो, 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 24 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 18 रुपये प्रति किलोग्राम के, 18 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को खरीदता है, 18 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को, लिख लेना अच्छे से दोस्तों, गेहूं को खरीदता है, खरीदता है, ठीक है।
उसे किस अनुपात में मिलाएं। फिर आगे है उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 20 रुपए प्रति किलो किलोग्राम के मिश्रण का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेसिक से क्वेश्चन है, पहले इसको समझ लेते हैं मिश्रण का नियम। ठीक है, वो ये कह रहा है एक व्यक्ति 24 किलोग्राम के हिसाब से 24 किलोग्राम तथा 18 किलोग्राम के गेहूं खरीद लेता है, समझने की कोशिश करना। और फिर उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है 20 रुपए किलोग्राम का हिसाब हो जाता है। सिंपल सा है कि एक व्यक्ति है वो एक तो अपन को 24 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीदता है और एक खरीदता है 18 रुपए किलो के हिसाब से, फिर उन दोनों गेहूं को मिला लेता है। ठीक है, मिलाने पर जो मिश्रण बन जाता है ना वो किसके हिसाब से बेचते हैं आप, वो 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए किलो के हिसाब से। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लगेगा दोस्तों वो होता है मिश्रण का नियम। अब आप कहोगे मिश्रण का नियम पहचानेंगे कैसे, कहाँ मिश्रण का नियम लगता है और कैसे करेंगे। तो देखो इसको कैसे पहचाने, यहाँ पर ध्यान देना। जैसे मिश्रण का नियम ये होता है, पहले आप देख लो कि गेहूँ पहले जो गेहूँ है वो कितने रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, 24 के हिसाब से, और दूसरे कितने के हिसाब से खरीद रहा है वो 18 के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ 18 के हिसाब से। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने उसने ये दोनों गेहूँ को मिलाया तो उसका रेट कितना हो जाता है, 20 रुपये किलोग्राम के हिसाब से हो जाता है। समझ रहे ना बात को? अब यहाँ पर मेरी बात समझना, मिश्रण का नियम क्या लगता है, देखो समझना, अपनी लैंग्वेज समझना। एक क्लास में कुछ लड़के हैं, समझना, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। अगर पूरी क्लास का बोलें तो लड़के और लड़कियां शामिल हो जाते हैं तो वो आ जाती है मिश्रण का नियम। मतलब कुछ लड़के कुछ लड़कियां, उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। ठीक है, तो वो पूरी क्लास आ जाती है। तो देखो कैसे करना है, यहाँ पे आप अच्छे से लिख लेना अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। देखो मिश्रण का नियम ये कहता है कि जो मिश्रण है ना, ये है मिश्रण, क्योंकि मिलाया हुआ गेहूं ये है मिश्रण है ना, एक संख्या से तो छोटा होता है और एक से, देखो एक संख्या से तो छोटा होता है और एक से बड़ा होता है। ठीक है, एक संख्या से छोटा होता है और एक से बड़ा होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मिश्रण के नियम ये कहता है कि जब दो, एक 10 रुपए किलो वाली वस्तु को और एक 15 रुपए किलो वाली वस्तु को मिलाया जाता है, समझने की कोशिश करना, कुछ लड़के और कुछ लड़कियों, मतलब कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, अगर उन दोनों को मिला, उन सभी को मिला दिया जाए तो क्या बनती है, क्लास बनती है। समझ रहे ना बात को, ये जो क्लास है वो मिश्रण है। समझ रहे हो ना बात को, क्लियर हुआ? ऐसे ही कुछ बन जाता है, कुछ शक्कर है और कुछ नमक है, और शक्कर और नमक को मिलाने पर क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। तीन वैल्यू बनती हैं, जैसे ही एक अधिक है और एक कम है उन दोनों को मिला दिया जाए तो एक बीज की वैल्यू बनती है। एक अधिक है एक कम है इन दोनों को मिला दिया तो एक बीज की वैल्यू बनी है, जो 24 से तो कम है 18 से ज़्यादा है। समझ रहे ना बात को, जैसे ही यहाँ बात हो तो अपन क्या करना है दोस्तों, वो ये है कि बड़ी वैल्यू को क्रॉस में, समझ रहे ना, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू को क्रॉस में घटा लें। किसमें? क्रॉस में। ठीक है, क्रॉस में घटाएं। देखो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आप समझना। जैसे ही मिश्रण का नियम लगे तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटा लें। बताओ 20 में से अगर 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इधर 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। समझ रहा हूँ, अपना अनुपात क्या बना, 2:4 बना। अभी ये वैल्यू आसान हो रही है, हो रही है 1 और 2, आधा आधा हो जाएगा। अपना अनुपात बना क्या है, 1:2, यहाँ से काट लेना, यहाँ 2 था। ठीक है, अपना अनुपात बना 1:2। ठीक है, हम तो कह रहे हैं 1:2 है, समझ रहे हो, किस अनुपात में बेचेगा, 1:2 के अनुपात में। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो दोस्तों, समझ रहे ना बात को। देखो
समझने की कोशिश करना, 24 किलो के हिसाब से वो 1 किलो गेहूँ खरीदता है और 18 किलो के हिसाब से वो 2 किलो गेहूँ खरीदता है। जैसे ही इनको मिलाया, देखो अब अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों, वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो 24 इंटू, अगर एक 24 1 किलो गेहूँ 24 24 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 24 ही आएगा, क्योंकि 24 किलो के हिसाब से वो 1 किलो गेहूँ खरीद रहा है अनुपात में। ऐसे ही फिर 18 किलो के हिसाब से वो कितने किलो गेहूँ खरीद रहा है, 2 किलो, 18 दूनी कितने होते हैं 34 होते हैं, 36, 18 दूनी होते हैं 36, ठीक है दोस्तों। अब इनको जोड़कर देखना, आप इनको जोड़कर देखना कितना हो जाएगा, जोड़कर देखना अपने 6 6 और 4 10 0 हासिल किए, 3 और 3 6, 60 रुपये। अब दोस्तों उनका मूल्य बताना है, 1 किलो हो जाता है तो 20 रुपये प्रति किलो हो जाता है, तो उसका मूल्य क्या होगा दोस्तों, 60 रुपये। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो 60 हुए है ना, समझने की कोशिश करना, टोटल कितना आया 60। अब आप मुझे बताओ, वो तो टोटल 7 आया लेकिन अनुपात कितना है, टोटल 1:2 कितना होगा, 3:3। इस 60 को हम 3 से भाग देंगे तो अपना जो आंसर आया वो कितना आया, 3 × 2 = 6, 20 रुपये किलोग्राम। देखो आपको क्लियर हुआ कि नहीं, आंसर ये है, ये आंसर है, तो ये 20 रुपये किलोग्राम भाव निकल गया कि नहीं निकला, ये वेरीफाई करने का तरीका है, ठीक है दोस्तों। समझ रहे हो, आप आंसर अनुपात पूछा था, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात है ना, 1 रुपये प्रति किलो भाव का अपन ने भाव भी निकाल दिया, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो ना बात को। चलिए आप इसी टाइप के एक और क्वेश्चन और करोगे तो आपको और अच्छे से समझना, बस क्या समझना, मिश्रण का नियम ये कहता है कि बड़ी वैल्यू से एक जो मिश्रण होता है ना, वो एक वैल्यू से तो छोटा होता है और एक वैल्यू से बड़ा होता है। जैसे यहाँ जो मिश्रण बनता है ना, एक से बड़ा होता है और एक से छोटा, तो आप क्रॉस में घटा के अनुपात पद निकाल लो और वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ऐसे ही मैं कर देता हूँ, आप यहाँ से अच्छे से समझना, लिख लेना अच्छे से ना, क्या करना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाना। देखो अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, अच्छे से लिखना, अगला क्वेश्चन ये है, किसी राशि को दो मानों में इस प्रकार बांटो, बांटा कि किसी राशि को, देखो अच्छे से लिखना ना दोस्तों, ना किसी राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा कि, इस प्रकार बांटा की 20 रुपए किलो पहले भाग, 20 रुपए किलोग्राम पहले भाग का कितना है, 20 रुपए किलोग्राम, ठीक है, और 16 गुना पहले भाग का 20 रुपये किलो, 16 गुना तथा 16 बात को, देखो तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, समझना, किसी राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा कि 20 रुपये किलो पहले ग्राम का, दोस्तों ये 20 रुपये नहीं है, ऐसा लिखा है ना, किसी राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग का 16 गुना, पहले भाग का कितना है 16 गुना तथा दूसरे भाग का 7 गुना, ठीक है, दूसरे भाग का 7 गुना मिलाने पर संपूर्ण राशि पर मिलाने पर